और ये वो स्थान है जहाँ उनके जो अंतिम संस्कार है होना है। हाँ जी, तो अभी गांव के सरपंच साहब है मेरे साथ, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम। अच्छा, अभी कब तक अंतिम संस्कार होने की या कितना टाइम और लगेगा? अभी सर लगभग एक घंटा लगेगा। अच्छा, अभी गांव में बॉडी उनकी पहुंचने वाली है। हाँ हाँ, तो वहाँ जो प्रोटोकॉल है जो प्रशासन का वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद में। अच्छा, तो सुबह से आज बहुत भारी बारिश हुई। हाँ। तो समस्या तो सामना करना पड़ा? समस्या नहीं है सर, पूरा गांव दुखी था। एक ईमानदार अफसर जो गया इस दुनिया से, जिसकी निर्मम हत्या की गई है, पूरा गांव ही नहीं पूरा देश हिला हुआ है। आपको शायद मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो परमात्मा भी आज रो रहा है, उसके ये आंसू टपक रहे हैं। जी जी, परमात्मा के भी जो है, परमात्मा के लिए ये आंसू टपक रहे हैं कि एक इतना बड़ा ईमानदार अफसर जिसकी निर्मम हत्या की जा रही है। तो दोषियों को एक दो को पकड़ा गया है, उस बारे में कोई सूचना है आपको भी? हाँ सर, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ड्राइवर के क्लीनर और कंडक्टर को, ड्राइवर को पकड़ा गया है। लेकिन अभी तक जो असली इस जो इनका जो सरंगना है वो अभी नहीं पकड़ा गया है। भू माफिया जो है उनके गिरेबान तक जाने का भी बाकी है, और हम जो है और जाँच होनी चाहिए अभी। हम CBI जाँच की मांग करते हैं जी, हम गाँव की तरफ से हम CBI जांच की मांग करते हैं। इसकी CBI जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस जो इनके जो सबसे सरगना है उनकी नस जब तक नहीं दबोची जाती तब तक इसी तरह जाबाज अफसरों का ये तो करते रहेंगे। आपको पता है जाबाज अफसर कितने बड़ी मुश्किल से तैयार होता है जी। तो यहाँ बड़ी संख्या में अब देखिए ग्रामीण हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और ये जो आप स्थान देख रहे हैं यहीं पर ही DSP सुरेंद्र बिश्नोई जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरा जो स्थान है ये पानी से पूरा लबालब भर गया था, और सुबह से ही जो ग्रामीण हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो यहाँ से पानी निकालने का जो कार्य है वो कर रहे थे। तो देखिए आप, ये प्रशासन की बसेस वगैरह ये खड़े हैं, और अभी गांव इस साइड में गांव है, और वहां से अभी थोड़ी देर बाद में जो पार्थिव शरीर है DSP जी का वो लेके आएंगे। और ये देखिए पूरे खेत जो हैं, आज बहुत भारी बारिश हुई, और जैसा गांव के जो सरपंच है उन्होंने कहा कि आज तो पूरा जो कायनात है, पूरा आसमान है, वो भी रो रहा है। इन एक ऐसे जो अच्छे व्यक्ति की जो शहादत हुई है, ये उनका पैतृक जो घर है वो है। तो इस प्रकार से जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुँचाई। जैसे ही उनका अंतिम संस्कार की क्रिया होगी वो भी हम आप तक लगातार पहुँचाएंगे। पानी ज़्यादा भरने की वजह से अभी जो एक पानी निकालने का ट्यूबवेल टाइप है वो सिस्टम लगाया है, और ये जो स्थान आप जब देख रहे हो यहीं पर ही उनकी जो अंतिम जो समाधि या स्मारक जो बनना है वो यही बनना है। यही वो दृश्य यहीं पे देखिए आप, जो अभी जल्दी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये ट्यूबवेल जो है ये पानी निकालने के लिए बनाया है इस पूरे एरिया में। यहाँ जो ये समाधि स्थल बनना है यहाँ पर पूरा पानी भर गया था सुबह से ही। जो गांव के लोग हैं, प्रशासन है, पूरा देखिए प्रशासन में पूरा मुस्तैद है, और सुबह से ही अपने जो मुस्तैदी है वो दिखा रहा है। अभी हम सुरेंद्र DSP बिश्नोई जी के खेत में हैं, ढाणी में हैं, और यहाँ अभी थोड़ी देर बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए पूरा जो इलाका है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी से भर गया।